वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क टेन के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे सियासी हलचलों के बीच, जहां एक तरफ दिल्ली में सोनिया गांधी की बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक पर निगाहें हैं, तो वहीं यूपी के सीएम योगी और फिर दिल्ली के दौरे में हैं। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में ताबड़तोड़ कहीं बैठकें कर राज्य में चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया है। सियासत में इस बात पर भी गौर है कि आखिर कांग्रेस की बैठक में बसपा आपसे दूरी क्यों बढ़ती गई है और क्यों सपा ने किनारा किया है। ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि चुनाव इस वक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और ऐसे में जहां बसपा और सपा प्रमुख विपक्षीय दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे में कांग्रेस के साथ ना आना जो चाय पार्टी है कहीं ना कुछ संकेत पैदा करता है, कुछ ना कुछ ये कहता है कि कुछ तो है। उसके अलावा जो विपक्ष की तैयारियां हैं, वहां ममता का भी विपक्ष को ज्वाइन न करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। उसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। देश की सियासत में कई तरह की हलचले हैं। एक तरफ जहां राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बन रही हैं, तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी साथ साथ खाका तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी विपक्षी नेताओं को अपने जन्मदिन पर घर पर आमंत्रित किया है, और उस बैठक को लेकर सियासी गलियारों में कई बातें चली। और इस तरह अब ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी की नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को नेतृत्व के सवाल पर दिल्ली में बहुत अहमियत न मिलने पर कांग्रेस के अंदर सक्रियता दिखी है। कांग्रेस कमान को अपने हाथ में लेने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ आने के लिए कह रही है। साथ ही उन्हें इस भरोसे में लिया जा रहा है कि वो किसी न किसी तरह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी एकता के लिए आगे आएंगे। सोनिया गांधी की ये पहल उसी दिशा में है। सोनिया गांधी के बुलावे पर आने वाले विपक्षी दलों के जमघट के बावजूद ये सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने विपक्षी एकता में कांग्रेस यानी राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। लेकिन कांग्रेस की अपनी कोशिश पूरी है। उधर हाई कोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब कांग्रेस की कोशिश है कि वो विपक्ष को एहसास कराए कि उसके नेतृत्व में ही मोदी से लड़ा जा सकता है। कहा नहीं जा सकता कि संयोगवश या सोच समझकर सोनिया गांधी ने इस बैठक को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित किया है। कांग्रेस के सामने चुनौतियां अलग तरह से हैं। कांग्रेस में आंतरिक असंतोष की खबरें उड़ती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जितिन प्रसाद के बाद अब सुष्मिता जैसे युवा नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच कांग्रेस विपक्षी एकता का खेवनहार बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस के लिए खास फोकस यूपी और पंजाब है, तो यूपी में बसपा ने पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, और पंजाब में उसके समक्ष अकाली दल के साथ साथ आप भी मुकाबले में हैं। ऐसे में कांग्रेस ने बैठक में दोनों ही दलों को न्योता नहीं दिया है। चुनाव और संगठन के स्तर के मामले में बीजेपी दूसरे दलों से आगे दिखती है। यूपी में चुनाव की रणनीति को लेकर सीएम योगी फिर दिल्ली में, तो निश्चित तौर पर आगे के लिए बसात बिछाई जा रही है। तो यूपी ही नहीं, पड़ोसी उत्तराखंड में भी बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। जेपी नड्डा ने इस दौरे में उत्तराखंड को दो दिन दिए हैं और एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला जारी है। निश्चित है कि चुनावी घमासान भले ही अभी शुरू ना हुआ हो, पर चौसर पासे बिछने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक दलों की एक एक कवायद राज्यों के चुनाव को लेकर है, और साथ ही आगे के लक्ष्य भी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं बसपा के। हमारे साथ रवि प्राशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ सतीश चंद्र बंजारा जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव है सुभाषपा के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सबसे पहले रवि भाई आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से आप देखें, लगातार विपक्ष को संयुक्त करने की बात चल रही है। कभी ममता बनर्जी करती हैं, कभी शरद पवार साहब करते हैं, और लगातार कांग्रेस भी सक्रिय रहती है, और अब की बार राहुल गांधी अच्छे खासे सक्रिय रहे हैं। ऐसे में बात ये उठती है कि अभी लोकसभा चुनाव तो है नहीं, और लोकसभा चुनाव बहुत दूर है। ऐसे में चुनाव जो महत्वपूर्ण है वो उत्तर प्रदेश है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर
ही बात होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी रहता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी का क्या काम, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बड़े चेहरे हैं, चाहे वो मायावती जी हों और चाहे वो अखिलेश यादव हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में ये जो गठबंधन की क्वायद चल रही है, इससे लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है? जी देखिए गोस्वामी जी, एक प्रश्न के एलोबोरेशन में उत्तर में जाने से पहले मुझे एक डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल, बहुत मशहूर साहित्यकार हैं, उनकी एक गजल का मतला याद आ रहा है, पहले वो सुन लीजिए। जी वो इस तरह है कि तो तय हुआ है कि तकरार हम करेंगे नहीं, तो तय हुआ है कि तकरार हम करेंगे नहीं, रहेंगे साथ मगर प्यार हम करेंगे नहीं। ये दो लाइनें हैं, मुझे लगता है कि विपक्षी एकता की जो कवायद फिलहाल हो रही है उसको, उसकी जो हालत है उसको बयां करने के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं। और दूसरा जो मिसरा है, इसको हम रहेंगे साथ मगर प्यार हम करेंगे नहीं को दिखेंगे साथ मगर प्यार हम करेंगे नहीं कर लेंगे तो ज्यादा वस्तु स्थिति के को हम करीब से समझ पाएंगे। देखिए आपने जैसा कहा, अभी हमने संसद के मानसून सत्र के दौरान भी दिल्ली में विपक्षी एकता की कई तस्वीरें देखी जी। आज फिर हमने विपक्षी एकता के नाम पर एक तस्वीर देखी, और आज की जो विपक्षी एकता के नाम पर जो चर्चा हुई है पार्टियों के बीच में, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात और जो पहले की बैठकों में नजर नहीं आ रही थी, पहले की बैठकें ऐसा लग रही थी कि केवल और केवल मानसून सत्र में सरकार को कुछ कामकाज नहीं करने देना है, घेरने के लिए हो रही है, लेकिन आज की जो बैठक हुई है राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर, उसमें कंक्लूसिव फैक्ट ये निकल के आया है, सोनिया गांधी ने अपने जितने भी सहयोगी बैठक में शामिल थे उनसे साफ साफ अपील की है कि 2024 के लिए हमको एकजुट होना है। अब 2024 के लिए इसको समझने की जरूरत है, इसका मतलब यह हुआ कि जो आसन्न चुनाव है, जैसा कि आपने प्रश्न में कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहां जिसका परचम लहराता है उसके लिए केंद्र की राह आसान होती है, उत्तराखंड का चुनाव बिल्कुल आसन्न है, निकट है, पंजाब का चुनाव है, दो और छोटे राज्यों का चुनाव है, इसके बाद 2022 के ही उत्तरार्ध में गुजरात जैसे बड़े प्रदेश में चुनाव है, हिमाचल जैसे प्रदेश में चुनाव है, 2023 में 23 की शुरुआत में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 2024 का आम चुनाव तो अभी करीब करीब 3 साल बाद होना है, उससे पहले ये जो 15-20 बड़ी विधानसभाओं के जो बड़े चुनाव होने हैं, इसका मतलब आप समझिए सोनिया गांधी के इस वक्तव्य का जो उन्होंने 2024 पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है, इसका साफ साफ दो अर्थ निकलते हैं कि एक तो यूपी में और बाकी राज्य विधानसभाओं में विपक्षी एकता पर कोई जोर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर राज्य में, जैसा आपने भी कहा, आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया, उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी का क्या काम है। तो एक तो या तो ये रणनीति के तहत बात हो रही है कि भाई जो राज्य विधानसभा चुनाव है वहां जो ताकतवर पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के बरक्स, वो अपना गठबंधन, वो अपनी रणनीति अलग बनाएं, और दूसरा एक स्पष्ट संकेत ये भी मिलता है गोस्वामी जी कि विपक्षी एकता का जो साज सम्मिलित तौर पर बजाने का प्रयास किया जा रहा है उसमें कोई खास कामयाबी मिलती हुई नजर आ नहीं रही है, कोई एक ऐसा फॉर्मूला सामने नहीं आ रहा है जिसमें राहुल गांधी के, खास तौर पर मैं कोट अनकोट कह रहा हूं, कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर मोहर लग सके। एक चीज और गौर कीजिएगा कि मानसून सत्र के दौरान जो 2-3 प्रयास 3 अगस्त को 6 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, संसद भवन में, कांग्रेस के कक्ष में या जंतर मंतर पर किसानों को समर्थन देने जाते समय जो 2-3 प्रयास हुए, उनकी सबकी लीड कांग्रेस ने ही ली। कांग्रेस के कक्ष में मानसून सेशन में बैठक हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो बैठक हुई उस पर नाश्ते पर कांग्रेस की तरफ से न्योता गया, आज भी जो बैठक हुई है उसमें, इसका मतलब यह है कि दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो शामिल भले हो रही हैं चाय नाश्ते में या डिनर में या बातचीत विचार विमर्श में, लेकिन उनकी तरफ से कोई फिजिकल कोशिश अभी विपक्षी एकता के नाम पर होती हुई दिखाई स्पष्ट तौर पर नहीं दे रही। एक चीज
दूसरी चीज ये है कि जितने भी विपक्षी पार्टियों की बैठकें हुई हैं आज की बैठक को मिला करके, उसमें आम आदमी पार्टी को दरकिनार किया गया है, बहुजन समाज पार्टी को बहुत पहले से, ये जो विपक्षी एकता का प्रयास है, इससे पहले जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रहा था तब ममता बनर्जी ने भी लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए उसको बचाने के लिए गुहार जिन विपक्ष के नेताओं से चिट्ठी लिखकर लगाई थी उनमें भी मायावती का नाम शामिल नहीं था। तो ये कैसे विपक्षी एकता है और ये कैसे धरातल पर काम आएगी ये देखना बिल्कुल ये देखना होगा। और ये बात लेकिन गोस्वामी जी बिल्कुल सही है कि एक मजबूत विपक्ष एक सेहतमंद लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, और अगर विपक्षी एकता के प्रयास हो रहे हैं तो उनका स्वागत किया जाना।